मनी। देखिए वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या करना है। इससे पहले जो एडिशंस किए थे बहुत सिंपल थे, तो चलिए देखिए। ऐड यानी कि आपको इस क्वेश्चन में ऐड करना है, ये तो पहले ही मालूम पड़ गया। 1546 रुपीस एंड 35 पैसे, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद का जो अमाउंट होता है उसे पैसे में बोलते हैं, ठीक है। और पैसा पॉइंट से पहले वाला अमाउंट जो है वो रुपीस में आता है। सेकेंड अमाउंट इज 167 रुपीज एंड 85 पैसे एंड 6 रुपीज 54 पैसे एंड फोर्थ अमाउंट इज 0 रुपीज 56 पैसे या फिर ओनली 56 पैसे। इन्हें हमें ऐड करना है। तो बेटा हमेशा याद रखो, जब हमें इस तरह से कोई भी नंबर दिया हो और उन्हें हमें इस तरह से ऐड करना हो तो उन्हें एक साइड में कॉलम में अरेंज करेंगे। पहले इन्हें प्रॉपर कॉलम में अरेंज कीजिए। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने रुपीस का कॉलम एक साइड बनाया और पैसे का कॉलम एक साइड बनाया, ठीक है। अब मैं रुपीस के नीचे रुपीस वाला अमाउंट लिखूंगी और पैसे के नीचे पैसे वाला अमाउंट लिखूंगी। तो 1546 रुपीस और 35 पैसे यहाँ आ गए। सेकेंड अमाउंट इज 100। अब देखिए यह 4 डिजिट है। अब इसमें 100 का डिजिट कौन सा है? 1 stands 100। 100 का डिजिट है 5, तो इसमें देखिए केवल 3 डिजिट्स है, तो इसमें 100 के प्लेस पर 1 है, तो 1 जो है वो इस 5 के नीचे आएगा, ना कि इस 1 के नीचे से इसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ गया 6, यहाँ आ गया 7, अब 85 आ गया आपका इसके नीचे। नेक्स्ट 6 रुपीज एंड 54 पैसे। अब 6 रुपीज में केवल 1 डिजिट है, यानी कि 6 किस प्लेस पर है? 1s की वैल्यू है, 1s के प्लेस पर है, तो और इन डिजिट्स में 1s की वैल्यू इधर साइड से है, तो 6 हमारा जो है वो इस साइड आ जाएगा और ये जो 54 है वो यहाँ आ गया, ठीक। लास्ट अमाउंट है 0 रुपीज एंड 56 पैसे। उसमें देखिए रुपीज तो दिया ही नहीं, आप चाहे तो उसके लिए अपनी तरफ से 0 जो है ऐड कर सकते हैं और देन 56 आ गया आपका इधर, ठीक है। अब हम इसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए 5 प्लस 5 10 10 प्लस 4 14 14 प्लस 6 20। 20 में से 0 जो है वो यहाँ आ गया और 2 एज अ कैरी इसके ऊपर आ गया। अब देखिए इसे काउंट कीजिए, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 5 16, 16 प्लस 5 21। कैरी ऐड करेंगे 21 प्लस 2 23, जिसमें से 3 यहाँ आ गया, 2 इसके ऊपर आ जाएगा। अब देखिए 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 2 21, जिसमें से 1 यहाँ आया, 2 इसके ऊपर आया। 4 प्लस 6 10। अब देखिए इसके नीचे कोई डिजिट नहीं है, 10 में हम कैरी 2 ऐड करेंगे, 12 में से 2 यहाँ आया, 1 यहाँ आया। 5 प्लस 1 6, कैरी ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7, 7 यहाँ आया। अब 1 के नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमारा 1 जो है वो यहाँ पर आ गया, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना निकल करके आया, 1721 रुपीज एंड 30 पैसे। देखिए पैसे के नीचे का अमाउंट पैसे में ही रहेगा, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 8 सेम है, आपको इसी तरह उसे कॉलम में अरेंज करते हुए ऐड करना है। क्वेश्चन 9 इज मीरा बायज अ पेंसिल फॉर 6 रुपीज 40 पैसे एंड इरेजर 8 रुपीज 65 पैसे एंड एन इंक पैन फॉर 57 रुपीज 75 पैसे। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी हैज टू पे टू द शॉपकीपर। देखिए मीरा है, मीरा नाम की एक लड़की है जो एक शॉपकीपर के पास गई, जिसने एक पेंसिल खरीदी 6 रुपीज 40 पैसे में, एक इरेजर ली 8 रुपीज 65 पैसे में और एक इंक पेन लिया 57 रुपीज 75 पैसे में। तो उसने टोटल अमाउंट जो शॉपकीपर को दिया वो कितना दिया, टोटल करना है, यानी कि हमें इसे ऐड करना है। देखिए सॉल्व करते हैं, सबका अमाउंट जो है अलग अलग करके लिख लीजिए। देखिए कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितनी कॉस्ट है, 6 रुपीज 40 पैसे, ठीक है। अब उसकी लिख लीजिए इरेजर की, कॉस्ट ऑफ एन इरेजर, तो देखिए इरेजर की कॉस्ट कितनी है, 8
तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा, टोटल अमाउंट इक्वल्स टू, इनको ऐड कीजिए, देखिए 6 रुपीज 40 पैसे प्लस सेकेंड अमाउंट है 8 रुपीज 65 पैसे प्लस, और थर्ड अमाउंट है 57 रुपीज 75 पैसे। इसको ऐड करेंगे तो इसके लिए हम रफ कॉलम का यूज करते हैं, रुपीज का कॉलम एक साइड, पैसे का एक साइड। फर्स्ट अमाउंट लिख लीजिए 6 रुपीज एंड 40 पैसे, सेकेंड अमाउंट 8 रुपीज 65 पैसे और ये है 57 रुपीज एंड 75 पैसे। ऐड करेंगे 5 प्लस 5 10, 10 में से 0 यहाँ आया 1 कैरी, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लus 1 18, 18 में से 8 यहाँ आया 1 इसके ऊपर। अब देखिए 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 7 21, 21 और 1 22, 2 यहाँ आया 2 यहाँ आया। अब देखिए इस साइड कोई नंबर नहीं है, ओनली 5 है तो 5 में हम कैरी 2 ऐड कर देंगे, 5 प्लस 2 7, तो टोटल अमाउंट कितना आया बेटा 72 रुपीज एंड 80 पैसे। इतना अमाउंट जो है जो मीरा है वो उसको शॉपकीपर को देगी। समझ आया? क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 के जैसा है और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन 7 से लेते हुए क्वेश्चन 10 तक अपनी नोटबुक में करना है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल देन बाय।